ये देखिए, ये मोबाइल है सैमसंग A5। इस मोबाइल में FRP लॉक लगा हुआ है, तो आज हम FRP लॉक बाईपास करेंगे। चलिए आपको चेक करा देते हैं FRP लॉक। देख सकते हैं ये FRP लॉक लगा हुआ है। FRP लॉक बाईपास करने के लिए फिर से स्टार्ट स्क्रीन पे आना है और अपने सिस्टम की तरफ जाना है। फ़ोन चालू में चालू रहना है और फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर में UMT सेम सेम 0.3 वाले सेटअप को ओपन करना है। देख सकते हैं हमारा UMT सैमसंग 0.3 टूल ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करेंगे। टूल्स पर क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते हैं FRP बाईपास MTP, यहाँ पर बाईपास पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं, एरर को कट करेंगे, फिर एक और बार बाईपास पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर डन आ चुका है। फ़ोन की स्क्रीन पे देखते हैं, देख सकते हैं ये UMT की तरफ से एक पॉपअप आया, इस पर व्यू करेंगे। व्यू करने से कोई ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ब्राउज़र में आ चुके हैं। ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर ऊपर सर्च करना है एड रोम बाईपास। एड्रोन बाईपास सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक को ओपन करना। फर्स्ट लिंक ओपन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं तीसरे नंबर पर सेटिंग ऐप लिखा है, उसके यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने से क्या होगा, सेटिंग मोबाइल की सेटिंग ओपन हो जाएगी। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ अबाउट फोन में जाके सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में एंड्रॉयड वर्जन चेक करेंगे। इसका एंड्रॉयड वर्जन है 7.0। अब फिर से बैक करके धीरे धीरे ब्राउज़र के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ टाइप करेंगे टेक्नो केयर APK। देख सकते हैं हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। इसमें परमिशन मांग रहा है, सेटिंग पर क्लिक करके अननोन सोर्स को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन नहीं करना, वापस से ब्राउज़र में आना है, फिर एड रोम डालना है वापस और फर्स्ट लिंक को ओपन करना है। और सेटिंग को ओपन करके स्मॉल की सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर लॉक एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। लॉक एंड सिक्योरिटी पे आने के बाद यहाँ अदर सिक्योरिटी सेटिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अदर सिक्योरिटी में यहाँ पर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर्स में फाइंड माई डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देंगे। देख सकते हैं बंद हो चुका है। इसको बंद करने के बाद बैक करके फिर से सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर ऐप्स ओपन करना है।
ऐप में यहाँ पे आपको थ्री लाइन पर, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद शो सिस्टम ऐप पर क्लिक करना है। इससे क्या, वो पूरे फ़ोन के जितने ऐप्स होने लगेंगे। अब यहाँ पे आपको गूगल प्ले सर्विस सर्च करना है। ये देख सकते हैं, ये रहे गूगल प्ले सर्विस, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको डिसेबल कर देना थोड़ी देर के लिए। डिसेबल करने के बाद बैक करना है, फिर से सेटिंग में आना। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे क्लाउड एंड अकाउंट्स पर क्लिक करना है। क्लिक करना अकाउंट पर, क्लिक करने के बाद गूगल पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपन अपन कोई भी आई जीमेल आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी जीमेल आईडी डाल देता हूँ। देख सकते हैं जीमेल आईडी डल गई, आई एग्री। इसके बाद एक पॉपअप आया, इस पर कहीं पे भी खाली जगह क्लिक करना। और यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट अपना ऐड हो चुका है। बैक करके फिर से ऐप्स में जाना है, शो सिस्टम ऐप्स, और जो गूगल प्ले सर्विस थी उसको अनेबल कर देना है। हाँ, गूगल प्ले सर्विस इसको अनेबल कर देना है। और यहाँ पे टेक्नो केयर जो अपने ऐप इंस्टॉल किया था उसको अनइंस्टॉल कर देना है। कहाँ पर है ये रहा टेक्नो केयर ट्रिक्स, इसको अनइंस्टॉल कर देना। इसको अनइंस्टॉल करने के बाद बैक बैक करना है, फिर से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद इसके बाद यहाँ पर लॉक एंड सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी माने अदर सिक्योरिटी सेटिंग, और डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को ऑन कर देना है जो अपन ने ऑफ किया था पहले। एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के बाद फिर से बैक बैक करना है। एक्टिवेट करने के बाद फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेना है। देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A5। ये फोन हमारा स्टार्ट हो चुका है। फोन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर चेकिंग नेटवर्क हो रहा है, ये देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट ये देखिए, अकाउंट एडेड सैम शर्मा 1245@gmail.com। ये मेरा फेक अकाउंट है तो इस पर कोई मेल मत करना। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है पहली बार। ये देख सकते हैं यहाँ पे नो थैंक्स स्किप कर देंगे स्क्रीन लॉक को। स्किप यहाँ पे उनको वाईफाई बंद करना है। वाईफाई बंद करने के बाद कंटिन्यू, स्किप स्किप, इससे लेटर ये देख सकते हैं सैमसंग A5 की FRP बाईपास हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।